भैया एक बात बताना है, बस भी मॉडिफाई करते हो क्या? ग्लास लगा दोगे इसमें और फिटिंग? और वो कह रहे हैं कि हमने पूरा मॉडिफाई किया, ये सब कुछ उसके अंदर पहले ही आता। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? तो जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं निकू भैया के पास आई हुई हूँ अपनी कार मॉडिफाई कराने। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि फ्रंट में इसको पूरा टॉप मॉडल बना दिया है और क्या क्या मैंने इंस्टॉल कराया है, आज आपको सब कुछ दिखाऊंगी। तो भैया आप भी आ जाओ, आप भी दिखा दो। जैसे कि ये बेस मॉडल था, इसमें हमने टॉप मॉडल वाले DRL लगा के दिखा दिया। बहुत बंदे हैं ना, एक ही पीस घुमाए जा रहे हैं मैं लगा दूंगा, अभी तक दिखाया ही नहीं लगा के, हमने दिखा दिया लगा के DRL। अब यार मैं एक बात बताती हूँ, मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें क्या था, उसमें एक शॉपकीपर ने दिखाया हुआ था कि उन्होंने DRL इंस्टॉल किए हैं, हेडलैम्प इंस्टॉल किया है एंड अलॉय व्हील्स इंस्टॉल किए हैं। लेकिन अगर आप उसकी वीडियो ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे जो पिलर है ना वो ब्लैक है, और जो ब्लैक पिलर है वो सिर्फ और सिर्फ अकम्प्लिश्ड विद डीजल पैक में आता है। और वो कह रहे हैं कि हमने पूरा मॉडिफाई किया, ये सब कुछ उसके अंदर पहले ही आता है। यार ये कितनी गलत बात है, मतलब आप क्या जनता को बेवकूफ़ बना रहे हो, ऐसा मत किया करो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर जगह पे दो तरह के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, सेम हिसाब यहाँ पे करोल बाग का भी है। अभी मैंने आपको जैसे सारी कहानी बताई, तो यार सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अकम्प्लिश्ड विद डीजल पैक में ही पिलर ब्लैक आता है, बाकी क्रिएटिव में आपको रूफ भी ब्लैक मिलती है। तो यार अब देख लो आप, आप समझ जाओगे, वीडियो देखोगे ना आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि पहले ही वही वेरिएंट था, उसके बाद कह रहा है कि ये मैंने किया है। चलो भैया आगे बताओ आप। इसके बाद हमने इसमें टॉप मॉडल वाली हेडलाइट लगा चुका हूँ, और इसके बाद IPH का प्रोजेक्टर जो मैं बार बार बता रहा हूँ वो भी लगा चुका हूँ, और ये फ्रंट ग्रिल जो टॉप मॉडल में जो आता है, ये ओरिजिनल, ये बेस मॉडल ही था, ये नहीं कि जैसे मैं बता रहा हूँ वही मॉडल हो, ठीक है, इसे हम लगा चुके हैं। और भाई दावे भी इतने बड़े बड़े करते हैं ना, मैंने लगाया है, सिर्फ मेरे पास अवेलेबल है, ये वो। निकू भैया आप बताओ, आप क्या कहना चाहते हो इस बात पे? करने वाले करते हैं, बंदे को समझ का आना चाहिए कहाँ पे आना है, कैसे काम करवाना है, कहाँ पे काम करवाना है। बेस टॉप मॉडल में भी बता देंगे कि टॉप मॉडल वाला सामान मैं ही लगाया हूँ, लेकिन कंपनी से खुद लग के आता है। अब एक बार DRLs और हेडलैम्प्स वगैरह सब जला के दिखा देती हूँ, वरना कल को कोई कमेंट करे कि ये भी नकली है। डॉक्टर साहब जरा जला के दिखा दो भाई। भाई ये ओरिजिनल टॉप वाले DRLs है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, पूरा यहाँ पे ऊपर पट्टी लगा के बल्ब वगैरह लगा देते हैं, पर ये वो नहीं है, ये ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट है। अब इसके बाद आप हेडलैम्प भी जरा डॉक्टर साहब जला के दिखा दो भाई। और एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कि दोनों DRLs चलते हैं तो कैसा लुक आता है। डॉक्टर साहब हेडलैम्प ऑन कर लो, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं। निकू भैया बताना चाहोगे इनको डॉक्टर साहब क्यों बोलते हो? नहीं नहीं छोड़ो, अभी मैं बता दे चुके हैं। चलो और हेडलैम्प ऑन हो गया। अब इसमें क्या काम किया आपने ये बताओ पहले। इसमें जैसे प्रोजेक्टर है ना, इसमें हमने 150 वाट का LED डाला हूँ, इसमें HID इसलिए नहीं डाला हूँ कि HID डालने से ना थोड़ा कैप का कटिंग होता है, जिससे मॉइस्चर बनने की चांस बनती है लाइट में, ठीक। एक तो हम तो बेस मॉडल वाले टॉप मॉडल लगाया, उसमें कैप काट देंगे तो मॉइस्चर चला जाएगा, तो लाइट ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इसमें भी 150 वाट का LED डाला हूँ, इसमें भी 150 वाट का LED डाला हूँ, और ये अभी इसका स्विच लगा रहा है अभी। इसमें जो IPS प्रोजेक्टर डाला हूँ उसमें HID डाला हूँ। यहाँ पे जो हेडलैम्प्स है ना वो टॉप वेरिएंट वाले ही हैं, बस इसमें दोनों आपको हेलोजन ऑफर किए जाते हैं, ऐसा कुछ आपको बल्ब मिलता है येलो लाइट में, जिसे चेंज करके भैया ने यहाँ पे LED लगाए हैं। कौन से ब्रांड के लगाए हैं बताओ? क्रिस्टल आइका 150 वाट के LED है। भैया एक बात बताना है, बस भी मॉडिफाई करते हो क्या? नहीं नहीं बस मॉडिफाई। अभी तो 5 ही बजे हैं, फिर भी आप इसका थ्रो चेक कर सकते हो। इसके अलावा फॉग लैम्प्स भी ऑन नहीं है, और मैं आपको एक बार रात को भी दिखा दूंगी, इसका थ्रो सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो यहाँ पे जो गार्निश आप लगी हुई देख रहे हो ना, ये पूरी लॉक टू लॉक है, चिपकाने वाली नहीं है। निकू भैया हाँ, इस पे जंग वगैरह तो नहीं लगती? नहीं, ये तो कंपनी का ओरिजिनल पार्ट है, ये तो आपने मेरे सामने ही खोला। हाँ, तो इस पे जंग नहीं आएगा भैया। इसमें एडास लगा दोगे क्या? नहीं समझ में आया। एडास लगा दोगे इसमें? नहीं नहीं बस सही यार, ऐसे नहीं करो। नहीं नहीं बस थोड़ा बढ़ा दो, बस ज्यादा नहीं। मैं फ्रंट से तो मैं इसको पूरा टॉप मॉडल बनवा ही चुकी हूँ, और इसके अलावा इंटीरियर में भी बहुत कुछ यूनिक करवाया है मैंने, तो आपको मैं टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूँगी। और यार भैया का भी चैनल है निकू कार्स नाम से, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके उसको भी अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। भैया वहाँ पे कौन सा कपलर दिखाने वाले हो आप बता दो सर। जैसे कोई भी गाड़ी आता है, कि अपने पास पंच है तो पंच का, कोई भी नया गाड़ी आए और चाहे नई सामान आता है, जैसे नया सामान कुछ होता है यूनिक सामान, उसका वीडियो हम दिखाएंगे, उसके लिए सब्सक्राइब कर लेना। तो प्लीज़ भैया के चैनल को भी अपना प्यार ज़रूर दीजिएगा। वैसे भी भैया से बड़ा सेलिब्रिटी कौन है यार, हम तो छोटे मोटे लोग हैं, भैया सेलिब्रिटी है। और यहाँ पे टेल लाइट्स का भी काम चालू हो गया है, अभी ये पूरा भैया रिमूव करेंगे, उसके बाद इसके अंदर हेलोजन है। अभी यहाँ पे LED वाली टेल लाइट्स ये रही, ये इंस्टॉल होनी है।
तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि जैसे ये मेरा बेस मॉडल में ओरिजिनल जो आता है वो ये है हैलोजन। दूसरी साइड अभी एक वो लग चुका है एलईडी वाला। दोनों में ये फ़र्क है, ये वाला लाइट हुआ वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है, पूरा रेड कलर का ट्रायर वो लगता है, एंड उसमें सिर्फ एक हैलोजन बल्ब जलता है तो थोड़ा सा वीक लगता है। तो ये सारे जेन्युइन एक्सेसरीज है, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ। इसके अंदर टाटा का पहले तो ये बैजिंग है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अंदर पीछे करना है इसको टर्न, इसके बाद आप यहाँ से वो स्कैन भी करके देख सकते हो। इसमें QR भी दिया गया है, तो बिल्कुल ओरिजिनल पार्ट यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। अब बस ये सेकेंड वाली इंस्टॉल होनी बाकी है, एक तो मैंने इंस्टॉल हुई हुई आपको पहले ही दिखा दी है। ये अपना टेल लाइट का इधर से वायरिंग आता है और ये कंपनी वाला वायरिंग है। बाकी जो अपना ये जो रहा बिल्कुल कट नहीं हुआ है। हाँ, ये बस इसमें कपलर लगा कपलर है और कपलर फिटिंग हुई है। हाँ, ये इधर भी दिखा दीजिए, एकदम कपलर टू कपलर जल रहा है। एक सेकंड मैं इधर से दिखाती हूँ, कपलर टू कपलर। हम्म, ये निकल गया इसका ओल्ड वाला। अब ये हमारे न्यू वाले फिटिंग हो गई इसके अंदर। बस यहाँ पे इसका कपलर पुट आउट कर देना और ये देखो चल गया। और साइड बाय साइड आपको फर्क दिखाऊं तो ये फर्क है दोनों में। बेस मॉडल है ये और ये एलईडी वाला है। दिन में भी इतना ब्राइट लग रहा है और ये टॉप मॉडल वाला है और ये बेस वाला। तो अभी रात भी हो चुकी है, एक बार मैं आपको नाइट का रिस्पांस चेक करवा देती हूँ लाइट्स का। कृष्णा कपलर प्लीज लाइट्स ऑन करके दिखाओ, नीचे हेडलाइट्स भी ऑन कर दो। अभी तो खाली लो बीम ऑन है, हाई बीम तो अभी तक ऑन भी नहीं की, फिर भी आप इसका रिस्पांस चेक कर सकते हो कितना ज़्यादा अमेजिंग है। एक बार दूसरी भी ऑन करके दिखाना। लो अब हाई बीम भी ऑन हो गई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा थ्रो है लाइट्स का भी। एक बार मैं इसके फॉग लैंप्स आपको ऑन करके दिखा देती हूँ, ऑन करना प्लीज़। इसकी फॉग लैंप का इतना थ्रो है कि लोगों की हेडलाइट्स का भी नहीं होता है। चलो अब लो बीम ऑन कर दो, एक बार हाई बीम ऑन करके दिखा दो। तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, आप खुद चेक कर लो, बहुत ही अमेजिंग थ्रो है इनकी लाइट्स का, मतलब मस्त है एकदम। यार एक बार ज़रा ये देखो, अंधेरे में सिर्फ और सिर्फ DRS जलते हुए कितने ज़्यादा मस्त लग रहे हैं। ऐसा मतलब लग ही नहीं रहा है कि ये पंच है, बिल्कुल लग रहा है कि हैरियर खड़ी है यहाँ पे। खत्म।